11 महीने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह घड़ी लौट आई जब फिर से सामूहिक रूप से भजन संध्या का आयोजन होने लगा। नए वर्ष के आगमन के साथ ही कोरोना रूपी संकट के बादल धीरे धीरे चढ़ने शुरू हो गए और एक बार फिर से श्याम भक्तों की गूंज कानों में सुनाई पड़ने लगी। इसके साथ ही कोरोना काल में बेरोजगार हुए कलाकारों, म्यूजिशियन आदि को फिर से रोजगार मिलने लगा। ईशा के बांगुरपाक इलाके में श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हेमंत वर्मा, सोनी देवकी नंदन मालपानी समेत अन्य भजन गायकों ने श्याम भजन गाकर भक्तों को श्याम भक्ति में पिरोया। इस दौरान पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। श्याम भजनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। हारे के सहारे भगवान श्याम का नीले और सुगंधित फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। 56 भोग और भक्तों के लिए अखंड ज्योति आहुति के बाद भगवान श्याम की आरती करके भजन संध्या का समापन हुआ। इस भजन संध्या में हमारी मुलाकात एक ऐसे श्याम भक्त से हुई जो पिछले 25 वर्षों से कोलकाता से खाटू तक 1650 किलोमीटर की लंबी दूरी पद यात्रा के जरिए तय करते हैं और भगवान श्री श्याम के चरणों में शीश नवाते हैं। झारखंड राज्य के धनबाद से आए श्याम भक्त गुणवंत जोशी ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से वह लगातार कोलकाता से खाटू की पदयात्रा करते हैं। इस पदयात्रा के दौरान कई दुर्गम मार्ग जंगलों से भी उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन इन्हें एक बार भी एहसास नहीं होता कि वह पदयात्रा कर रहे हैं और ना ही उन्हें थकान महसूस होती है। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गुणवंत जोशी, अब प्यार से लोग शाम जगत में गुनी भैया कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं धनबाद शास्त्री नगर ढोवाटाण के रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप कोलकाता से खाटू श्याम की पद यात्रा कर रहे हैं? मेरे को 26वीं यात्रा में। कैसे ये संभव हो पाता है इतनी लंबी दूरी तय कर पाना? बाबा की कृपा है, श्याम बाबा की कृपा है। कितने पड़ाव लेने पड़ते हैं आपको? कम से कम पड़ाव हम 55 या 60 लेते हैं, 55 कम से कम। कितने दिनों का सफ़र होता है? 60 दिन का। 60 दिन का जी। और 60 दिन के दौरान रास्ते में आपके भोजन पानी की व्यवस्था? सब श्याम प्रेमी लोग कर देते हैं, और पवन भैया हैं, पवन शर्मा जी, और सुरेंद्र भैया, बिजेंद्र भैया, और संदीप जी, और विवेक जी, और ये लोग मेरी मतलब मदद करते हैं। और कलकत्ता वाले जितने भी हैं मंडल के, मुझे प्यार के नजराना से देख के मुझे विदाई करते हैं। आप अकेले जाते हैं कि आपके साथ में और भी? नहीं, अकेले ही जाते हैं, लेकिन कुछ दिन 3-4 साल से लोग मुझे रथ प्रदान किए थे, तो रथ टान के अकेले गया था। और यही खिदिरपुर, कोन नगर, रिचड़ा, ये लोग बहुत प्यार से रथ बना देते थे। हम गले में पालकी लेके बाबा की जाते थे हमेशा, तो टाइम में चल नहीं सके थे, तबीयत खराब हो गई थी, तो इन्होंने सबने मिल के मुझे रथ बना दिया था। मैं रथ में बेल्ट लगा के टान के खाटू ले गया हूँ।